वीडियो में हम बताएंगे कि स्लिप हेमिंग कैसे करना है। स्लिप हेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमने एक छोटा सा पीस ले लिया है, इसे मैंने दो फोल्ड कर रखा है, एक फोल्ड और दो फोल्ड। किसी भी हेमिंग में दो फोल्ड जरूरी होता है। चौड़ाई हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा हमारा डिज़ाइन हुआ उसके अकॉर्डिंग। हेमिंग में सबसे पहले हम एक छोटा सा नॉट लगाएंगे। हम नॉट ऐसे लगाते हैं, आपको अगर कोई और तरीका आता हो आप ऐसा भी नॉट लगा सकते हैं, इसमें कोई बहुत टेक्निक नहीं होता। तो नॉट को हम यहाँ फोल्डिंग के अंदर यहाँ पे प्लेस करते हैं ताकि हमारा नॉट दिखाई भी ना दे और स्टार्टिंग में निकले भी ना। स्लिप हेमिंग के लिए क्या करना है, हमें जो हमारे कपड़े का बेस है इसमें से हम 1 or 2 थ्रेड्स लेते हैं ऐसे, और फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ना वहाँ बस फोल्डिंग में इस नीडल को डालना होता है, सिर्फ फोल्डिंग में, बेस वाले पीस में नहीं है। ये देखिए बैक से हमारा नहीं दिखाई देगा और ना ही फ्रंट से दिखाई देगा, ये हमारे फोल्डिंग में होता है। फिर हम यहाँ बेस वाले फैब्रिक में से 1 or 2 थ्रेड्स लेंगे, ऐसा किया, जहाँ से हमने नीडल को निकाला था सेम वहीं पे इसको फिर से इन करेंगे। फिर यहाँ से आउट किया हमने इसे ऐसे, फिर हम बेस में से 1 or 2 थ्रेड्स लेंगे और जहाँ से हमने आउट किया हुआ है ना वहीं पे हमें नीडल को इन करते हुए फिर फोल्डिंग में लेके जाना होगा ऐसे। इसकी खासियत ये है कि ये हमारा बैक से भी इनविजुअल रहता है और फ्रंट से भी। फिर हम यहाँ से 1 or 2 थ्रेड लेंगे ऐसे, फिर हमने जहाँ से ये आउट कर रखा है वहीं से फिर से इन करना होगा हमें, और फोल्डिंग में ही नीडल रहेगी हमारी। फिर हम बेस वाले फैब्रिक में से 1 or 2 थ्रेड्स ले रहे हैं और फिर नीडल को ऐसे फोल्डिंग में डालते हुए बाहर की तरफ निकालेंगे। छोटा सा नॉट लगाना होगा ताकि हमारी हेमिंग खुले नहीं, ऐसे लॉक करना होगा।